guys, follow me on my Instagram at AutoReviewer, as I'll be posting regular content over there. And do hit that post notification bell so that whenever I post a content, you get notified. Before we get on with this video, I would like to give a huge shout out to Mr. Ashish from BYD Landmark Showroom situated on Okhla Industrial Area, Delhi, for helping me out with this video. And I'd also suggest, if you guys have any queries regarding this car or any other product, you can always hit them up over the call. They'll be more than happy to help you out. I'll leave all details in the description, so do check them out. Hello everyone. So today in front of me is standing this unique company known as Build Your Dreams, or short formed as BYD, and this is the electric MPV of their choice. So let's start our video with the key itself. So yahan par aap dekh sakte ho kuch is tarike ki key milne wali hai aapko. Aapko main pura dikhaun. You get four buttons. One is for lock, unlock, boot, release, and you can even start the car and AC with this key. So agar hum isko long press rakhte hain to you can roll down the windows. Agar aap boot ko long press rakhoge, boot will open, and if you long press the fourth button, the car will start. So kuch is gaadi ki baat kar rahe hain agar hum to ye main bata dun, this is the second generation BYD electric E6. तो ये जो सेकेंड जनरेशन इसलिए क्योंकि अब इसके अंदर एक बेहतर बैटरी आई है जो कि अक्लेम करती है एक अच्छी रेंज, और इसमें आपको अब चार्जिंग की भी बहुत सहूलत मिल चुकी है. अगर हम बताएं तो दिस इज़ द इंडियाज़ फर्स्ट प्रीमियम इलेक्ट्रिक एमपीवी. तो देखा जाए तो ये प्राइस के हिसाब से इनोवा से कम्पीट करेगी, और प्राइसिंग की मैं बात करूँ तो ये है 29.15 लाख एक शोरूम दिल्ली. बाकी इस वीडियो में हम आगे जानेंगे इस गाड़ी के सारे फीचर्स और इसके क्या क्या आपको प्लस पॉइंट्स मिलने वाले हैं, क्या क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं इन फ्यूचर. तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं. प्राइसेस मैं आपको बता चुका हूँ, इट इज़ ओनली वन वेरिएंट अवेलेबल. दिस इज़ 29.15 लाख एक शोरूम दिल्ली, एंड नाउ दिस कार इज़ अवेलेबल फॉर B2B एज वेल एज B2C एज वेल. मतलब फर्स्टली व्हेन दिस कार वॉज लॉन्च्ड, इट वॉज ओनली अवेलेबल टू कमर्शियल फ्लीट्स, बट नाउ एज एन इंडिविजुअल कस्टमर यू कैन इवन ऑल्सो परचेज दिस व्हीकल फॉर योर ओन यूज़. सो चलिए अब हम शुरू करते हैं इसकी बैटरी एंड मोटर प्लेसमेंट से. तो वो यहीं पर आपको मिलने वाली है जहाँ पर एक ICE कार में आपको इंजन प्लेसमेंट मिलती है. तो आगे ही आपको यहाँ पर मोटर प्लेसमेंट देखने को मिलेगी. तो ये कुछ इस तरीके की प्लेसमेंट है. अगर मैं बात करूँ इसकी मोटर के बारे में, सो दिस इज़ एन AC परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर जो कि पावर प्रोड्यूस करेगा 70 kW एंड टॉर्क्स अबाउट 180 Nm की. बाकी इसकी बैटरी जो है वो अंडर बॉडी कंसील्ड है जो कि है 71.7 kWh की ब्लेड बैटरी विच सपोर्ट्स बोथ AC एज वेल एज DC चार्जिंग एंड क्लेम्स अ रेंज ऑफ 520 km. सो हम रेंज की बात भी आगे करने वाले हैं, सो प्लीज़ जुड़े रहिएगा मेरे साथ. और ये गाड़ी आप देख रहे हो, उसका फ्रंट वॉक अराउंड शुरू करें तो सेंटर में आपको एक बहुत क्लीन सा लुक मिलता है विद द BYD लोगो सिटिंग इन द सेंटर. नीचे आपको इसका सिल्वर फिनिश मिल जाएगी, और ये ग्रिल आपको एक क्लोज ग्रिल मिलती है बिकॉज देयर इज़ नो इंजन इनसाइड. काफ़ी ज़्यादा अच्छा और यूनिक लुक देती है गाड़ी को. हेडलैम्प्स की बात करें, यू गेट हैलोजन इंडिकेटर्स, हैलोजन रिफ्लेक्टर्स फॉर हाई बीम एंड हैलोजन प्रोजेक्टर्स फॉर लो बीम, एंड दिस इज़ द LED DRL. नीचे आपको फॉग लैंप्स नहीं दिए गए हैं बिकॉज द हेडलाइट्स देमसेल्व्स आर वेरी कैपेबल. बाकी माइन्यूट डिटेल्स की बात करें, यहाँ पर आपको टोइंग हुक मिल जाएगा, एंड यहाँ पर आपको एक कैमरा प्लेसमेंट दी गई है जो कि इंटरनेशनल मार्केट्स में शायद कैमरा आपको फिटेड मिलेगा, बट यहाँ पर नहीं है इस कार में. तो अब चलिए हम चलते हैं इसकी साइड प्रोफाइल की तरफ. और मैं ये भी बता दूँ, इस गाड़ी में आपको फ्रंट व्हील ड्राइव का ऑप्शन मिलता है, तो ये आपकी फ्रंट व्हील ड्राइव कार है. बाकी आपकी सारी डायमेंशंस, लेंथ, विथ एंड हाइट आपकी स्क्रीन पर हैं. अमेजिंगली इसके व्हील बेस बहुत अच्छा है. टायर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको 215/55R 17 inches के अलॉय व्हील्स मिलते हैं जो कि काफ़ी यूनिक और अच्छे दिखते हैं, नो डाउट. ऊपर आए यहाँ पर तो आपको ORVM पर चंकी सा ORVM है विद द इंडिकेटर स्ट्रिप राइटली प्लेस्ड ओवर देयर. यहाँ पर डोर्स पर आए बॉडी कलर डोर हैंडल्स विद रिक्वेस्ट सेंसर्स ऑन बोथ द डोर्स मिलने वाले हैं. क्रोम गार्निश का अच्छा खासा यूज़ किया गया है, काफ़ी लंबी गाड़ी है आप देख सकते हो. पीछे आओगे तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले आपको मैं चार्जिंग पोर्ट्स दिखा देता हूँ. इधर आपका चार्जिंग पोर्ट अवेलेबल है, यहाँ पर इसको थ्रू आप चार्ज कर सकते हो, एंड इट सपोर्ट्स बोथ AC एज वेल एज DC चार्जिंग. चार्जर की बात करूँ तो आपको यहाँ पर कोई एज सच कंपनी प्रोवाइड नहीं करेगी इस प्राइस के अंदर, बट आप अलग से ले सकते हो अपने हिसाब से, क्योंकि इस गाड़ी में आपको ये सहूलियत मिल रही है कि आप कहीं से भी किसी भी तरीके से आप इसको चार्ज कर सकते हो. ऊपर की तरफ यहाँ आपको स्पेस की बैजिंग मिलेगी, क्योंकि मेरे को लगता है कि इस गाड़ी में आपकी थर्ड रो तो नहीं है, तो उसके बजाय आपको स्पेशियस बूट मिलने वाला है. रेयर प्रोफाइल में आए तो सबसे ज़्यादा सुंदर प्रोफाइल है, आप देखिए कितने सुंदर स्ट्राइकिंग LED टेल लैम्प्स हैं. दिस आज ऑल LED क्रोम की गार्निश यूज़ होती है यहाँ पर, BYD का लोगो. नीचे आए तो यहाँ पर आपकी कैमरा और साथ में LED लैम्प्स फॉर द नंबर प्लेट. नीचे आपको E6 की बैजिंग मिल जाएगी, और उसके नीचे यहाँ देख सकते हो रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी दिए गए हैं. उसके नीचे ब्लैक फिनिश के साथ रिफ्लेक्टर्स मिल जाएंगे आपको.
काफ़ी ज़्यादा स्ट्राइकिंग और बहुत सुंदर लुक है। चलिए अब हम इसके बूट स्पेस के बारे में बात करते हैं, बूट लेआउट के बारे में। तो आप देख सकते हो कितना मैसिव बूट मिलने वाला है, क्योंकि इसमें थर्ड रो नहीं है। उसके अलावा आप देख सकते हो 580 लीटर्स का बूट यहाँ मिलता है आपको। बट हाँ, इसका एक छोटा सा ड्रॉबैक जो आपको लगेगा वो ये है कि आपकी सेकेंड रो ऑफ सीट्स आगे टॉपल डाउन नहीं होती हैं, दीज आर फिक्स्ड। बाकी फ्लैट फ्लोर है यहाँ पर आपको, और स्टेपनी के लिए नीचे दिया गया है। दिस इज़ अ टेम्प्ररी व्हील ऑफ द प्रोफाइल 135/80/R17। तो इसको आपको टेम्प्ररी व्हील है, टेम्प्ररी व्हील की तरह यूज़ करना है। लगेज लैंप मिल जाएगा पीछे आपको। सो येस, दिस वॉज अबाउट द बूट कैपेसिटी एंड बूट लेआउट। अब चलिए हम चलते हैं इसके रेयर सीट्स की तरफ और देखते हैं इंटीरियर कैसा है, साथ ही साथ कम्फर्ट कैसा देती है ये कार। स्पेशियस तो लिखा है इस गाड़ी में, तो अब देखते हैं कितनी स्पेस है फॉर अ पर्सन हु इज 6'4" टॉल। सो फर्स्टली मैं आगे बैठ के ड्राइवर सीट को अपने हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता हूँ, ताकि मैं पीछे आपको बैठ के दिखा सकूँ कि आपको कितना लेग रूम मिलने वाला है अगर आगे ड्राइवर 6'4" का हुआ तो। सो नाउ मैंने इस गाड़ी को अपनी सीट को अपने अकॉर्डिंग सेट कर लिया है। नाउ लेट अस हेड ओवर टू द रेयर सीट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। काफ़ी अच्छा और बिल्ड क्वालिटी महसूस होती है, हैवी डोर्स हैं काफ़ी। डोर से शुरू करते हैं, यू गेट पियानो ब्लैक्स एंड सिल्वर ब्रश फिनिश ओवर हेयर, सिल्वर डोर हैंडल्स ओवर हेयर। काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लुक लगता है। लेदर फिनिश का सॉफ्ट टच मटेरियल हर जगह यूज़ हुआ है। दिस इज़ एल्यूमिनेटेड पावर विंडोज वन टच, और यहाँ पर आपको स्पीकर की प्लेसमेंट मिल जाएगी। सीट्स की बात करूँ तो फुली ब्लैक लेदरेड सीट्स मिलती हैं यहाँ पर। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट्स मिल जाएंगी। 3-pointer सीट बेल्ट्स मिलेंगे आपको हर एक पैसेंजर के लिए। 3 adjustable हेडरेस्ट मिल रहे हैं आपको हर एक पैसेंजर के लिए। सेंटर में कोई आर्मरेस्ट नहीं है। अब मैं अंदर बैठ के बताता हूँ आपको कितना स्पेस है। सो आप देख सकते हो अभी यहाँ पर मेरे पास काफ़ी ज़्यादा अच्छा लेग रूम है। इनफैक्ट इतना अच्छा लेग रूम मुझे किसी कार में नहीं मिलता है, अगर मैं ड्राइविंग सीट को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करने के बाद। एक ड्रॉबैक जो मुझे लगा मेरी हाइट के हिसाब से वो ये है कि मुझे इसमें अंडर थाई सपोर्ट की थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप थोड़ा सा अपराइट बैठोगे और आपके नीज़ भी थोड़े फोल्डेड पोजीशन में होंगे। बाकी आप देख सकते हो यहाँ हैंडल मिल जाएगा, कैबिन लैम्प दिए गए हैं सेंटर में, तो ये भी एक अच्छा है कि आपको LED लैम्प्स मिल जाएंगे। इधर आपको मिलता है, उधर भी हैंडल मिलता है। और बाकी हम सेंटर में आएँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको मिलते हैं इसके AC कंट्रोल, यहाँ पर एक ब्लोअर है, और नीचे मिलेगा आपको 2 USB Type-C चार्जिंग पोर्ट्स। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है इस गाड़ी के बारे में कि आपको Type-C पोर्ट्स दे रही है, जो कि फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करेंगे। फ्रंट कैबिन की बात कर लेते हैं तो कुछ इस तरीके का लेआउट है, काफ़ी ज़्यादा यूनिक सा है। ऑल ब्लैक एंड सिल्वर का यूज़ किया है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, प्रीमियम कह सकते हो आप इसको। सो नाउ लेट्स हेड ओवर टू द फ्रंट सीट। और अब हम अपने इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट करते हैं, दैट इज़ द सेफ्टी सेगमेंट। तो मैं स्टार्ट करूँ, इस गाड़ी में आपको 4 airbags मिलने वाले हैं, तो आपको इसमें ऑल डिस्क ब्रेक्स मिल जाएंगे, इसमें आपको ऑल 3-pointer सीट बेल्ट्स, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट्स, सीट बेल्ट रिमाइंडर फॉर ऑल पैसेंजर्स, चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स, रिमोट कंट्रोल डोर लॉक्स, स्मार्ट की सिस्टम, स्पीड अलर्ट सिस्टम, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, एंटी थेफ्ट सिस्टम, रेयर कैमरा विद सेंसर्स, ABS विद EBD एंड ESP एंड EPB आपको मिल जाएगा, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाएगा, और तो और हिल होल्ड कंट्रोल जैसे सिस्टम्स भी आपको मिल जाएंगे इसमें। अब चलिए हम चलते हैं ड्राइवर डोर की तरफ और देखते हैं वहाँ क्या मिलेगा। आपको वही पियानो ब्लैक फिनिश विद सिल्वर एक्सेंट्स, सिल्वर डोर हैंडल। यहाँ पर आपको सारे पावर विंडो स्विचेस, ORVM कंट्रोल्स, और आपको यहाँ पर मिलता है नीचे बॉटल होल्डर, स्पीकर प्लेसमेंट ओवर हेयर। इधर की तरफ आप आएँ अंदर तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2 levers मिलती हैं। दिस इज़ 1 फॉर द MID ब्राइटनेस, अदर इज़ फॉर द हेडलाइट लेवलर। उसके बाद यहाँ पर आपको स्मॉल कबी होल दिया गया है विच इज़ इल्यूमिनेटेड। नीचे आपको दिख नहीं रहा है बट पेडल्स की अच्छी खासी पोजीशन थी। सीट्स की बात करूँ आपको यहाँ मिलती है हाइट एडजस्टेबल मैनुअल सीट, एज वेल एज आपको मैनुअली इसको आगे पीछे करना पड़ेगा, बट सीट कॉन्टोरिंग इज़ वेरी गुड, आपको अच्छे से पोजीशन में होल्ड करके रखती है। तो ये एक अच्छा कंफर्टेबल फीचर है इस गाड़ी का। अब बाकी चीज़ हम अंदर बैठ के आपको बताते हैं। सबसे पहले तो डोर बंद करा तो प्रॉपर थर्ड आई है। नाउ लेट मी जस्ट स्टार्ट द कार विद द इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन ओवर देयर। सो नाउ आपको बताऊँ, स्टेयरिंग यहाँ पर आपको बेयर स्टेयरिंग व्हील मिलता है, जो कि बहुत अच्छा लगता है। दीज कंट्रोल्स आर फॉर द इन्फोटेनमेंट डिस्प्ले एंड नॉट दिस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। मैंने गलती से यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखा दिया, तो चलिए इसी की बात कर लेते हैं। काफ़ी क्रिस्प डायल्स मिलते हैं आपको दोनों एनालॉग वाला, आप देख सकते हो। सेंटर में जो आपकी TFT डिस्प्ले है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, काफ़ी कलरफुल है, ब्राइट है, आपको सारी डिटेल्स बता देगी। तो ये आपका इन्फोटेनमेंट के लिए हुआ। बाकी हम इसमें बताएं आपको यहाँ पर क्या क्या है, तो आप देख सकते हो सारी ट्रिप इकोनॉमी बता देगी आपकी ये। दीज कंट्रोल्स आर फॉर द हेडलाइट्स, आपको यहाँ पर हेडलाइट कंट्रोल्स मिलेंगे, और इस तरफ मिलते हैं आपको इसके वाइपर कंट्रोल्स। सो यस, इधर की तरफ ऐसा मिलता है। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पर आपको बोथ रीच एज वेल एज रेक, मतलब हाइट एंड टिल्ट दोनों के लिए आपको एडजस्टमेंट मिलती है। सेंटर में आए तो आपको यहाँ पर एक टच स्क्रीन मिलती है,
जो इंफोटेनमेंट डिस्प्ले है जो कि काफ़ी अच्छी और एंड्रॉयड टच स्क्रीन मेरे को लगती है ये देखने में काफ़ी अच्छा खासा। इसमें इनबिल्ट ऐप्स मिल जाएंगे आपको स्पॉटिफाई वगैरह जैसे, बाकी और भी बहुत सारे टच ऑपरेटेड कंट्रोल्स हैं इसमें। बाकी मेन चीज़ मैं आपको दिखाऊं तो इसको आप ऐसे ऑफ भी कर सकते हो वाइल नाइट ड्राइविंग, और इसको आप रोटेट भी कर सकते हो तो आपकी इस तरीके की डिस्प्ले में कन्वर्ट हो जाती है। इट्स अ गुड फीचर आई वुड से। बाकी आप देख सकते हो इसमें आप ब्लोअर कंट्रोल्स मैनेज कर सकते हो जो कि आपको अच्छा खासा एक टच रिस्पॉन्स भी मिल रहा है इस कार में। आपकी मैक्सिमम सारे फीचर्स आप इस टच स्क्रीन के थ्रू कर सकते हो। नीचे आपको यहाँ बिल्ड योर ड्रीम्स का लोगो मिलने वाला है, उसके नीचे आपको एसी कंट्रोल्स मिलते हैं जो कि मैं आपको दिखाऊं, एक बार लाइट ऑन कर देता हूं। तो यस, आप देख सकते हो एसी कंट्रोल्स कितने सुंदर फिनिश के साथ है। नीचे यहां पर आपको एक स्टोरेज मिलती है जिसमें आपको वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलेगी। उसके अलावा यहां पर आप देखो तो बटन्स मिलते हैं। सबसे पहला जो आपको बटन मिलने वाला है, दिस इज़ द इको मोड, दिस इज़ पार्किंग सेंसर्स, और यहां पर आपके रफ मोड के लिए सैंड एंड रफ मोड, मड मोड। उसके अलावा नीचे की तरफ आपको यहां पर एसी कंट्रोल्स मिल जाते हैं, हैजार्ड लाइट का स्विच मिल जाएगा। इधर आप देख सकते हो ये बटन आपका रीजनरेशन सेट करने का है, हाई या लो। उसके बाद यहाँ पर आपका एक सिंपल सा गियर नॉब मिलेगा आपको, PRND, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है पर देखने में। आप यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिल जाएगा, ट्विन कप होल्डर्स, की रखने की जगह, और यहाँ पर सेंटर आर्मरेस्ट में आपको यहाँ पर एक स्टोरेज मिलती है विद 12 वोल्ट सॉकेट जो कि कुछ इस तरीके का है। और साथ ही साथ में आपको 2 USB नॉर्मल वाले मिलेंगे आपको यहाँ पर चार्जिंग के लिए। तो अब चलते हैं हम डैशबोर्ड की तरफ। तो यहाँ पर आपको ग्लव बॉक्स मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छा खासा बड़ा साइज़ का है। इसमें फ़िलहाल एक बुकलेट रखी हुई है, साथ ही साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स। तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है। ये बुकलेट है आपकी E6 की, तो एक तरीके से इस पर भी नज़र फरमा लीजिए, आप बुकलेट मिलने वाली है अगर आप बुकिंग करवाते हैं तो। बाकी आप देखिए हम बता दें पूरे क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स बहुत अच्छी यूज़ की गई है। ऊपर की साइड आएँ तो यहाँ पर वैनिटी मिरर मिलेगा और द पैसेंजर साइड मिलने वाला है, और साथ ही साथ इसका तरीके का आपको देख लीजिए मिरर मिल रहा है, लाइट नहीं मिलेगी। और इधर आपको ड्राइवर के लिए भी मिरर दिया गया है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। अब हम बात करें ऊपर लाइट्स मिल जाती हैं, यहाँ पर आपको डे टू नाइट मैनुअली शिफ्टिंग IRVM मिलता है। ये आपकी LED लाइट मिलती है, आप देख सकते हो बटन ऑपरेटेड ही है तो इसके थ्रू आप उसको देख सकते हैं। अब चलिए हम बाकी सब कुछ मोस्टली इस गाड़ी के बारे में कवर कर चुके हैं। फिनिशेस की बात करें तो यहाँ पर हार्ड प्लास्टिक्स हैं बट ये बहुत अच्छी क्वालिटी की फील होती हैं, दे आर नॉट दैट चीप। सो यस, अ थम्स अप टू द क्वालिटी यूज्ड। बाकी मैं एक पॉइंट और यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपका ब्लाइंड स्पॉट बहुत अच्छे से इन्होंने मैनेज किया है कि कोई ब्लाइंड स्पॉट ना बने, तो उसके लिए भी कूडोज टू BYD मोटर्स। अब चलिए हम चलते हैं और अपनी वीडियो कंक्लूड करते हैं, और हम बात करेंगे कुछ एक दो पैरामीटर्स के बारे में। कंक्लूजन में तो मैं क्या ही करूँ, क्योंकि मेरे पास इस गाड़ी में कोई कंपेटिटर नहीं है इसका जो कि मैं इससे कंपेयर करूँ। तो मैं इतना ही कहूँगा कि अपने सेगमेंट की इकलौती गाड़ी है जो इलेक्ट्रिक MPV है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी मेरे को तो लगी, एक बहुत अच्छा प्रपोजिशन लगा फ्रॉम BYD मोटर्स। अब हम बात करें इसके रेंज के बारे में, तो मैं ये बता दूँ सबसे अच्छी चीज़ इस गाड़ी में क्या है कि वैसे कहने के लिए क्लेम्ड रेंज इसकी 520 किलोमीटर्स की है, एंड द गुड थिंग इज़ दैट कि इसकी प्रैक्टिकल रेंज भी आप अराउंड 500 किलोमीटर्स निकाल सकते हो। सो बेसिकली इसका फंडा क्या है वो जानने के लिए मैं आपको बताता हूँ इसको कंपेयर करके नॉर्मल अदर EVs से। तो उसमें क्या होता है ना, हमारे को स्पीड मैचिंग करनी होती है कि अगर आप 50, 60, 70 की स्पीड पर चलोगे हमेशा फेवरेबल कंडीशंस में, AC को 24, 25 पर रखोगे तब आपको उसकी मैक्सिमम रेंज मिलती है। अब इस गाड़ी में क्या है, आपको यहाँ पर स्पीड मैच करनी ही नहीं है, इसमें आपको RPM का मैच करवाना है। मतलब यहाँ पे सारा खेल RPM मैच करने का है, तो वो बहुत आसानी से आप मैच कर सकते हो, और उसकी भी एक लिमिट होती है। तो उसके अंदर आप आराम से चलते हो, आपकी फेवरेबल कंडीशन में है, आपके मौसम भी ठीक है, AC चला रहे हो अंदर आप 24-25 पे, तब भी आपको ये 500 किलोमीटर्स की रेंज देती है। और ये सब अच्छी चीज़ है कि आप ये सब आप तब भी यूज़ कर सकते हो जब आप इसको ड्राइव कर रहे हो, तो ड्राइव भी आप इसमें इन्जॉय कर सकते हो क्योंकि काफ़ी अच्छी पावर आउटपुट देती है, आपको स्मूथ सेलिंग राइड मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि आपको इसमें कोई जर्क्स या कुछ बीच में फील हो रहा है, तो उस मामले में ये बहुत अच्छी और सॉर्टेड कार है। सो मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छी वैल्यू फॉर मनी प्रपोजिशन है ये गाड़ी। अब आप लोग मुझे अपने कॉमेंट्स बताना, आपके थाट्स क्या हैं कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो यस, आज के लिए इतना काफ़ी है, अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ स्टे सब्सक्राइब्ड एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। चलिए, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय।